Pone dos en gas, cuatro es corota y disorden. Fila, le embarga esa nova. No sabe que el gol de que la actúa en contra y charran. Tú no sabes que el se निकलने वाला ये पहला चौका और दवेली की ओर से निकलने वाला दवेली टीम की ओर से निकलने वाला पहला चौका तो पूरा पे जो दर्शक बैठे हुए हैं काफी समझदार दर्शक बैठे हुए हैं आपसे निवेदन है कि आप थोड़ा पीछे सरक जाएं रस्सी को छोड़ दें फिलहाल छोड़ो दुरेन चल से एम्पायर मुझे रमान का सवाल सामना करें नशा ने वापस फिर खेला है इसमें लेकिन समय एक और बाउंड्री चार 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 रन तो मुझे रमान एम्पायर का इशारा हुआ चार रन तो नौसाब के बल्ले से निकलने वाला दूसरा चौका और टीम की ओर से भी निकलने वाला दूसरा चौका तो आप स्कोर समझ सकते हैं आठ रन बिना किसी नुकसान के पहले ओवर प्रगति पे दूसरा इनिंग का तो नौसाब को काफी सूझबूझ के साथ है आज यहाँ पर अपना परिचय देना होगा तभी वो इस टारगेट को चेस कर पाएंगे फिलहाल ये गेंद वाइड बॉल का इशारा एम्पायर मधुर रमान का अतिरिक्त रनों की संख्या एक कुल स्कोर 9 रन बिना किसी नुकसान के बगैली तो नौशाद के बल्ले से लगातार दूसरा चौका निकला है अभी टीम का स्कोर 9 रन छोटू रोडेंचोर से एम्पायर मुद्रमान के साथ दाएं हाथ से आवाज को विकेट सामना करेंगे नौशाद यह गेंद शॉट पे खेला है रन लेने चाह रहे थे लेकिन नौशाद ने मना किया गुलजार को फिलहाल किसी भी रन की संभावना को निरस्त किया और कई फील्डरों के माध्यम से गेंद दी जा रही है बॉलर छोटे के हाथों में तो मैं छोटू के बारे में बता दूं कि छोटू काफी सीनियर प्लेयर हैं छतापुर की ओर से ये गेंद फिर से थोड़ा ऊंची और नो बॉल का इशारा एम्पायर तो यहाँ पे बाउंसर है नो बॉल होगा निश्चित रूप से होगा क्योंकि नौसाद की जो हाइट है 5 फुट 6 इंच की उससे कहीं अधिक थी तो इसलिए एम्पायर काफी अनुभवी एम्पायर मधुर रमान ने नोबल का दिया और ये फ्रीट एम्पायर का इशारा हुआ फ्री लगा पॉइंट पॉइंटिंग तरफ गेंद सी मारे का सेवा 8-4 रन तो इस फ्री हिट का फायदा मिला नौशाद को और नौशाद के बल्ले से एक और बाउंड्री टीम का स्कोर 14 रन बिना किसी नुकसान के पहले ओवर प्रगति पे तो छोटू काफी खर्चीले साबित होते हुए काफी सीनियर प्लेयर है मैं भी इनके साथ खेल चुका हूँ इनका खेल देख चुका हूँ फिलहाल काफी धैर्य से काफी डिसिप्लिन में खेलते हैं और काफी शांत माइंड के छोटू तो नौशाद को काफी जिम्मेदारी से बैटिंग करनी होगी क्योंकि वो इस टीम के सीनियर प्लेयर्स हैं एम्पायर का इशारा हुआ रोड से छोटू ये गेंद काफी अच्छी गेंद गुड गेंद पे गिरी अंदर की ओर आ रही थी और उतने ही अनुभवी बैट्समैन नौशाद ने वही दबा दिया तो इस सत्र का जो टूर्नामेंट ऐतिहासिक स्टेडियम बघेली में जो आज समापन की स्थिति में है फिलहाल एम्पायर का इशारा हुआ नौशाद के लिए ये गेंद शॉट लगाना चाहते थे लेकिन बल्ले पे आए नहीं और पहले ओवर की समाप्ति पे 14 रन बिना विकेट के नुकसान की बघेली थी तो दोनों ही बैट्समैन काफी प्रतिभाशाली हैं तो आज उन्हें इस प्रतिभा का परिचय इस नेमाता क्रिकेट स्टेडियम पर देना होगा और काफी अनुभव का अपना परिचय देना होगा यहाँ पर और कोई जल्दबाजी ना करें और अच्छे तरीके से अगर आप बैटिंग करेंगे तो निश्चित रूप से आप इस टारगेट को पूरा कर सकते हैं फिलहाल
अंकुर काफी आए हो गए बॉलर अंकुर छतापुर की ओर से। तो मैं बता दूं कि अभी जो मैन ऑफ द सीरीज का जो रेस हो रहा है, जो मतलब डाउन जो आगे पीछे खिसक रहा है, अभी फिलहाल एक नंबर में ये गेंद गुलजान ने जाने भर दिया। तो मैं बता दूं बॉलर अंकुर जो मैन ऑफ द सीरीज की रेस में एक नंबर पे चल रहे हैं और दूसरे नंबर पे रब्बानी चल रहे हैं छातापुर के। ये गेंद फिर से जाने भर दिया, किसी भी संभावना को नष्ट किया। और तीसरे नंबर पर एनसीसी के खिलाड़ी नौशाद चल रहे हैं मैन ऑफ द सीरीज में और चौथे नंबर पर सैफ। तो ये जो दौर अभी चल रहा है फिलहाल कौन कहां खेल सकता है ये देखना अभी शेष। फिलहाल अंपायर का इशारा हुआ, ये गेंद गुलजान ने मिड विकेट के ऊपर खेला है 6 रन। तो गुलजान के बल्ले से निकलने वाला पहला सिक्स और एनसीसी की ओर से निकलने वाला पहला सिक्स अभी स्कोर जा पहुंचा है एनसीसी का 20 रन बिना विकेट के नुकसान पे और 200 ओवर प्रगति पे। तो मैं बता रहा था अंकुर के बारे में, अंकुर जो मैन ऑफ द सीरीज में एक नंबर पे चल रहे हैं। फिलहाल देखना है कि अब आगे कौन कौन सकते हैं या अंकुर बरकरार रहते हैं। फिलहाल फिर से गुलजार के लिए खेला है मिड ऑन के बाद एक और बाउंड्री 4 रन। काफी आतिशबाजी खेल रहे हैं यहाँ पर दोनों बल्लेबाज नौशाद और गुलजार। इसी प्रतिभा का परिचय देना होगा तभी आप इस लक्ष्य को पार कर पाएंगे। तो समझदारी के साथ खेलना होगा, लूज गेंदों का सामना करना है, जो गेंदें अच्छी आ रही हैं उसे सम्मान देना है। फिलहाल अंतर मबूल का इशारा हुआ, ये गेंद फिर से खेला है गेंद एक्सटेंड बाउंडरी के ऊपर से 6 रन। तो लगातार छक्के, दर्शकों का लगातार मनोरंजन होता हुआ यहाँ पर गुलजार और नौशाद के बल्ले से बिल्कुल आग उगलता हुआ। तो अच्छी बैटिंग यहाँ पे कही जाए, दोनों ही बैट्समैन अपने सलामी बल्लेबाज नौशाद और गुलजार जो लगातार बाउंड्रीज अपने टीम को दिला रहे हैं। समझदारी से खेलना होगा, संयम से खेलना होगा और अंकुर को भी समझदारी भरी बॉलिंग करनी होगी। फिलहाल एम्पायर का इशारा हुआ, फिर से ये गेंद पॉइंट बाउंड्री की तरफ एक और बाउंड्री 4 रन। तो लगातार बाउंड्री यहाँ पे एनसीसी को मिल रहा है। फिलहाल यहाँ पे लगातार बाउंड्री मिल रहा है। तो अभी बंगाली टीम का स्कोर जहां पहुंचा है 34, इस ओवर में 20 रन चुराया है गुलजार ने। तो दो ओवर की समाप्ति पे 34 रन बिना विकेट के नुकसान पे एनसीसी। इस ओवर के प्रायोजक इंजमामुल फर्नीचर हाउस प्रोप्राइटर नसरुल्ला उर्फ पप्पू जी। तो लगातार है यहाँ पर दर्शक काफी उत्साहित, काफी दर्शकों को आकर्षित करते हुए यहाँ पे बल्लेबाज नौशाद और गुलजार। तो काफी अच्छे बैट्समैन यहाँ पे नौशाद फिलहाल परिवर्तन के तौर पे बॉलर प्रताप ये गेंद फिर से खेला है एक और बाउंड्री 4 रन। 4 रन क्या क्लासिकल शॉट था यहाँ पे नौशाद का। नौशाद इसी शॉट के नाम से जाना जाता है और काफी क्लासिकल बल्लेबाज है नौशाद, जो अपने क्लासिकलता का परिचय देते हुए आज इस फाइनल में आज इस ऐतिहासिक स्टेडियम पर 38 रन अब तक सिर्फ बाउंड्री से आए हैं, 2 एक्स्ट्रा रनों की संख्या, बाकी बल्ले से दौड़ करके कोई रन नहीं लिया गया है। फिलहाल बल्ले से बाउंड्री आई है। तो एम्पायर मधुर रामन का इशारा हुआ प्रताप के लिए, ये गेंद बाउंसर लाइन की गेंद, कंधे की ऊंचाई की गेंद जाने भर दिया नौशाद ने। फिलहाल एम्पायर मधुर रामन का इशारा आगे सामना करेंगे नौशाद, फिर से खेला है सिर के ऊपर से एक और बाउंड्री 4 रन 4 रन। तो बेहतरीन शाइनिंग यहाँ पे, बेहतरीन शाइनिंग कही जाए एम्पायर का और जितना ही दर्शक का दर्शक को लुभा रहे हैं दोनों बैट्समैन उतना ही कहीं उससे ज्यादा यहाँ पे एम्पायर मधुर रहमान
दशाओं को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं अपने ओर, तो काफी खर्चे साबित होंगे भाई यहाँ पर छाटापुर के बल्लेबाज। फिलहाल के सामना करेंगे नौशाद, ये गेंद वाइट बॉल वापिस से काफी बाहर, वाइट का इशारा, तो काफी एक्शन फुल लेटेस्ट एक्शन ऑफ एम्पायर मिस्टर मोतुर रहमान। वेलकम टू एनसीसी क्रिकेट स्टेडियम। फिलहाल काफी आकर्षित करते हुए यहाँ पे दोनों बल्लेबाज एम्पायर का इशारा वादा राउंड में फेंक रहे हैं, फील्ड से निकाला है, बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही है और वहां पे खिलाड़ियों ने फील्ड किया और एक रन। ये पहला सिंगल होगा जो बल्ले से निकल करके आया है, बाकी बाउंड्रीज आई है तो अतिरिक्त रनों की संख्या, कुल स्कोर पक्का हुआ बैगली टीम का 44 रन बिना विकेट के नुकसान पे और तीसरी ओवर प्रगति के प्रताप के द्वारा फेंकी जा रही है, तो स्कोर फिलहाल अच्छे और सलामी बल्लेबाज की जो पार्टनरशिप होनी चाहिए कि लगभग दोनों ही बैट्समैन पूरा करते हुए यहां पर, तो काफी शानदार बल्लेबाजी दोनों ही बैट्समैन के द्वारा। तो मैं बता रहा था कि नौशाद गुलजार जो एनसीसी की ओर से खेल रहे हैं, काफी सीनियर प्लेयर्स हैं एनसीसी के, राउंड विकेट एम्पायर रहमान कुरबान का सरावा, ये गेंद कंधे की ऊंचाई की जाने भर दिया, यही होता है जब आप एक अच्छे बल्लेबाज हो तो जो गेंद है आपके सर की ऊंचाई आ रही हो, आपके फेस पे आ रही हो तो आप उसे चेस न करें, जाने दें, ये एक समझदारी और एक सूझबूझ का परिचय देते हुए यहाँ पर गुलजार। फिलहाल एंकर का इशारा हुआ रोड छोर से, राउंड विकेट फिर से खेला है लेकिन बैट बॉल में कहीं संपर्क नहीं, जाने पर दिया बाल बाल यहाँ पर स्टंप से गेंद टकराती बच गए गुलजार, तो काफी खराब शॉट लगा रहे थे। फिलहाल भाग्य ने उनका साथ दिया, किसी भी संभावना को सुना, तीसरे ओवर की समाप्ति पे स्कोर रुका हुआ। तीसरा ओवर है ना, तीन ओवर खत्म हो गए, 44 रन बिना विकेट के नुकसान पे एनसीसी 44 की। तो अब कैप्टन छातापुर जिनको बॉलिंग का भार देते हैं, तो अब तक जो इनके बॉलर जो बॉलिंग की है काफी खर्चीले साबित हुए और उतनी ही आतिशीकारी खेलते हुए यहाँ पर नौशाद और गुलजार अपने, तो फिर से अंकुर को लाया है, अंकुर इस टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज के रेस में पहले नंबर पे चल रहे हैं और उसके बाद नौशाद रब्बानी, इनका जो दौर चल रहा है अभी फिलहाल कौन आगे बढ़ता है यह देखना विशेष होगा। तो रब्बानी शायद हमारा स्कोर मतलब ये है गेंद काफी अच्छी गेंद लेकिन नॉर्थ पिस्टन से काफी बाहर, वाइट का इशारा एम्पायर महबूब आलम का, तो तीसरा अतिरिक्त चौथा अतिरिक्त रन मिलेगा, ये अभी स्कोर जा पहुंचा है 45 बिना विकेट के नुकसान पे एनसीसी। फिलहाल एम्पायर महबूब का इशारा हुआ, ये गेंद खेला है अच्छी लेकिन बैट बॉल में कोई संपर्क नहीं है, किसी अपील उत्साह कम एम्पायर मोतुर रहमान का सर हिलता हुआ ना, 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 ना। तो काफी अच्छा जो एम्पायरिंग होनी चाहिए यहाँ पर हो रही है, तो मैं बता रहा था कि अब मैन ऑफ द सीरीज में अंकुर नौशाद सैफ रब्बानी अब तक बाहर हो चुके हैं इस मैन ऑफ द सीरीज से। फिलहाल ये गेंद काफी वाइट बॉल दिशाहीन गेंद है, व्हाइट का इशारा एम्पायर, आप दोनों टीम के खिलाड़ियों से दोनों टीम के कैप्टन से निवेदन किया जा रहा है कि आप एम्पायर पे कुछ दबाव न बनाएंगे, क्योंकि यहाँ कैमरा में मैं लगातार देख पा रहा हूँ जो सही डिसीजन आ रहा है आपके एम्पायर का, कैमरा यहाँ पे लगाया जा चुका है, कैमरे में पूरी मैच देखी जा रही है, थर्ड एम्पायर यहाँ मौजूद है। फिलहाल नौशाद ने उछाल के खेला है, खतरा हो सकता है, खिलाड़ी गेंद के नीचे है और शानदार विकेट मिला यहाँ पर छातापुर को नौशाद का, जो नौशाद काफी लंबा शॉट लगाना चाहते थे लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लिया और वहां पे खड़े खिलाड़ियों ने गेंद को कैच किया और ये ऐतिहासिक विकेट एनसीसी का गिरता हुआ यहां पर, पहला झटका लगा यहां पर बगैली टीम को। नौशाद का व्यक्तिगत स्कोर मैं बता दूं 21 रन बना करके नौशाद आउट हो गए हैं और उनका स्थान लेने के लिए सैफ
नौ गेंदे नजर ने सामना किया और 21 गेंद है बाउंड्रीज क्या है चार बाउंड्रीज उन्होंने लगाया है तो काफी उत्साहित हो चुके थे नौशाद इतना होना नहीं था उनको और काफी बड़ा नुकसान एनसीसी को पहुंचा है और यहां पर अंकुर को मिलेगा अंकुर अभी भी मैन ऑफ द सीरीज में पहले नंबर पे चल रहे हैं और जो अभी पार्टनरशिप दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई है गुलजार और नौशाद के बीच जो 45 रनों की पार्टनरशिप तो कहीं हद तक सही पार्टनरशिप कही जाए फिलहाल यहाँ पर महबूब आलम का इशारा हुआ यह गेंद फिर से लगातार काफी आक्रामक शॉट खेलना चाहते हैं बल्ले पे चढ़े नहीं और बाकी हाथ विकेट की बनने किया तो फील्डरों के माध्यम से गेंद दी जा रही बॉलर अंकुर के हाथों में अंकुर अपने बॉलिंग मार्च पे तैयार एम्पायर महबूब आलम का इशारा हुआ दाएं हाथ से यह गेंद खेला है शॉट पर वहां पे खिलाड़ी मौजूद है छोटू गेंद को फील किया गया किसी भी रन की संभावना को निरस्त किया अभी भी स्कोर रुका हुआ खर्चीले शॉट जरूर हुए लेकिन उन्हें एक महत्वपूर्ण विकेट नौशाद का मिला है फिलहाल अंपायर का इशारा हुआ फिर से खेला है खतरा हो सकता है गेंद काफी यहाँ पे खतरा तो जरूर हुआ है मैच कैच रखा गया काफी शानदार कैच और काफी गलत शॉट यहाँ पे खेल रहे थे मैंने पिछली गेंद पर देखा था गुलजार को काफी गलत शॉट लगाए थे फिर इस बार उन्होंने वैसा ही किया और अपना विकेट गंवाया तो ओपनर बल्लेबाज गुलजार का विकेट गिरता हुआ तो दोनों ओपनर बल्लेबाज नौशाद और गुलजार पवेलियन में जा चुके हैं तो गुलजार का व्यक्तिगत स्कोर बता दूं 20 रन जो गुलजार नौशाद काफी अच्छी बैटिंग कर रहे थे लेकिन काफी उत्साहित इतना उत्साहित होने की जरूरत यहाँ पे मुझे नहीं दिख रही है कि बैगेली के जो बल्लेबाज आ रहे हैं आप इतना उत्साहित ना हो आप फरी से खेलें क्योंकि आपको एक लंबे जो टारगेट दिया गया था लंबा टारगेट उसे चेस करना है यहाँ पर तो नए बल्लेबाज गुलजार का स्थान लेने के लिए दानिश तो मैं आने वाले दर्शकों को बता दूं कि आज बैगली के कैप्टन आलम ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया और 20 ओवर में उन्होंने 167 रन दिए छातापुर को तो छातापुर की यहां पर शानदार बैटिंग हुई है और छातापुर की टीम ऑल आउट हो चुकी थी 20 ओवर में फिलहाल दूसरे इनिंग का खेल चलता हुआ अब तक चौथी ओवर प्रगति पे है अभी स्कोर रुका हुआ है बैगली टीम का 46 रन 2 विकेट के नुकसान पे अब नए बल्लेबाज दानिश आए हैं यह गेंद सेकंड स्लिप में खेला है और चौथी ओवर की समाप्ति पे 46 रन 2 विकेट के नुकसान पे बैगली टीम इस ओवर के प्रायोजक नसरुल्ला उर्फ पप्पू जी इस ओवर में अंकुर ने एक वाइड दो वाइड दिया शायद मुझे याद आ रहा है अच्छा एक वाइड इस ओवर में दिया है तो काफी कशी हुई बॉलिंग अंकुर के द्वारा अंकुर इस टूर्नामेंट सत्र में मैन ऑफ द सीरीज में पहले नंबर पे चल रहे हैं आज यहां पर विजेता उप विजेता जो चमचमाती हुई ट्रॉफी हमारे पास रखी हुई है और मैन ऑफ द सीरीज की जो ट्रॉफी है आज इसको इन तीनों खिलाड़ियों में से अंकुर नौशाद सैफ तो लगभग मुझे लग रहा है कि नौशाद इस सत्र से बाहर होते हुए और सैफ अभी बरकरार है तो अंकुर एक नंबर पे चल रहे हैं मैन ऑफ द सीरीज की रेसिंग तो पांचवें ओवर लेकर किस बार कैप्टन किनको बॉलिंग का भार देते हैं बॉलर ने हीरा को लाया गया है जी हीरा माइकल हीरा एम्पायर पेशरा भाई है दानिश के लिए किसी अपील की जा रही है लेकिन अभी तक एम्पायर का कोई फैसला नहीं है इस अपील पे तो काफी नजदीकी मामला यहाँ पे अपीलें की जा रही हैं लेकिन आउट आउट तो दानिश के बल्ले का बाहरी हिस्सा जो था वो लगा था और दानिश निराश होकर के
पवेलियन लौट रहे हैं। तो शाहरुख के बल्ले का बाहरी किनारा लगा था बिना हरकत को लेकर दानिश।